अपना कार्यक्रम खुद तय करते हैं, वो तय करेंगे और उसके बाद विपक्षी एकता के लिए वो निकलेंगे। अमित शाह जी अब आएंगे देश भर में और बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करेंगे। वो तो दो की संख्या से न शुरू किए थे, वहीं वापस पहुंच जाएंगे। बिहार के लोग सतर्क हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। जदयू की 3 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बयान भी दिए, हालांकि वो चले गए, लेकिन देखिए एक बड़ा बयान जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तरफ से आया, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि 2 से शुरुआत की थी बीजेपी ने, 2 पर लाके छोड़ देंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने साफ यह भी कह दिया है कि अमित शाह बिहार आ जाए कोई फायदा नहीं होने वाला है, और आने वाले समय में जब 24 के चुनाव होंगे तो 40 के 40 सीट महागठबंधन के आएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, पहले आप सुने। मंत्री जी अपना कार्यक्रम खुद तय करते हैं, वो तय करेंगे और उसके बाद विपक्षी एकता के लिए वो निकले। वो कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है 24 में, तो कहां से कोई ट्राई। अरे उनको बोलने दीजिए ना, वो तो दो की संख्या से ना शुरू किए थे, वहीं वापस पहुंच जाएंगे। क्या लगता है आपको, ललन सिंह जिंदाबाद? जिस तरह से पार्टी ने ये अभियान छेड़ रखा है, विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की बात कही, लगता है कि पहले भी आप लोगों ने यह काम किया है जिस समय अटल जी थे तो कांग्रेस के खिलाफ में, क्या लगता है कि इसका लाभ मिल जाएगा आपको? इसका लाभ मिलना ही मिलना है। कितना परसेंट वोट आया था उनको? 38%। 62% वोट उनके खिलाफ था। 62% वोट जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा वो 75% पर पहुंच जाएगा। अमित शाह भी आ रहे हैं 23-24 को बिहार। अमित शाह जी अब आएंगे और देश भर में और बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करेंगे। बिहार के लोग सतर्क हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कार्यकर्ताओं को टास्क दिया है कि आप पंचायत स्तर तक जाइए, लगता है कि बिहार से ही इसकी शुरुआत हो। पंचायत स्तर तक हम जा चुके हैं, हमने हर गांव में 10-10 कार्यकर्ताओं की सूची बनाई है और 2,70,000 कार्यकर्ताओं की सूची यहां सत्यापित हो गई है, तो इसलिए हम हर गांव तक पहुंच चुके हैं। मिशन बिहार की बात हो रही है, में 40 में से कितना? बिहार में 40 में 40। तो आपने साफ सुना किस तरीके से जब कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, बैठक भी समाप्त हो चुकी है, लगातार जो आरोप प्रत्यारोप है, पलटवार जो है वो चल रहा है। और ऐसे में देखिए एक बड़ा बयान जो है वो ललन सिंह की तरफ से आया, जहां पर उनका साफ कहना है कि 2 से शुरू किया था बीजेपी ने, 2 पर ले आएंगे। इतना ही नहीं, जो बिहार की राजनीति चल रही है उसको लेकर कई मायने निकल रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर बीजेपी जो है वो जेडीयू पर हमलावर है, महागठबंधन पर हमलावर है, तो वहीं ललन सिंह ने भी साफ कह दिया है जब 24 का चुनाव होगा तब आप समझ जाएंगे। बिहार की अगर बात कर ले तो 40 सीटों में 40 सीट जो है वो महागठबंधन की आएगी, और साथ ही साथ अमित शाह बिहार आ जाए या कहीं चले जाएं उससे बिहार को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बिहार की जो जनता है वो अमित शाह को बता देगी। एक तरफ जहां पर अब नीतीश कुमार की 24 में केंद्र में जाने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह का जो ये बयान है कि बिहार में 40 सीट जो है वो महागठबंधन की आएगी, और इससे पहले जो अभी की बात कर ले तो जब NDA गठबंधन था तो नीतीश कुमार और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, और अब जब राजद के साथ चुनाव होगा तो ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले समय में जब 24 का चुनाव होता है तो महागठबंधन में किस तरीके का सीट शेयरिंग होता है और 40 सीटों में कितने सीट जो हैं वो महागठबंधन को आते हैं। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।